जोधा ने सन 1459 में जोधपुर शहर की नींव रखी थी। यहाँ की जनसंख्या 36 लाख के ऊपर है और इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित किया गया है। यहाँ पूरे साल सूरज अपनी रोशनी तेजी से बिखेरता है और तभी इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ स्थित मेहरानगढ़ किले को हजारों नीले मकानों ने घेरा हुआ है और इसी कारण इसका एक और नाम भी है, नीली नगरी। जोधपुर के कई नाम हैं, इसको धर्म नगरी भी कहते हैं, इसको सूर्य नगरी भी कहते हैं, इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं, इसको सन सिटी भी कहते हैं। सन सिटी यहाँ तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सन रेज जोधपुर सिटी में डायरेक्ट गिरती है। इस कारण यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा रहता है, यहाँ का बहुत एटमोसफेयर हेल्थी है, इसे सन सिटी भी कहते हैं। यहाँ ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं कि हमारा जो वॉल सिटी है सभी मकान ब्लू कलर के हैं। जोधपुर का जो ऐतिहासिक किला है मेहरानगढ़, वो 15वीं शताब्दी में बना था राव जोधा जी द्वारा, जिसके नाम से शहर जोधपुर कहलाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजपरिवार यहाँ रहता था, उसके बाद में वे दूसरे महल में शिफ्ट हो गए और 1972 में एक ट्रस्ट बनाकर इसको आमजन के लिए खोल दिया गया। तो सिंस 74 से ये एक एज अ हेरिटेज साइट और एक एज अ म्यूजियम लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहा है। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश हिस्सा इस किले के अंदर ही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का विस्तार हुआ है। पुराने शहर की जो एक आत्मा है वो अभी भी जागृत है और वो लोगों को आकर्षित करती है, शहर आकर्षित करता है। और उसके साथ साथ जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मेहरानगढ़ है और मंडोर की छतरियाँ हैं, पंचकुंडा की छतरियाँ हैं, उम्मीद भवन पैलेस है या जसवंतथड़ा है, या हमारे आसमानी शहर की जो गलियाँ हैं, यहाँ के खान पान हैं, वो सब मिलके एक डेस्टिनेशन या एक सिटी का एक्सपीरियंस बनाता है। उम्मीद भवन पैलेस जोधपुर के सबसे मनोरम महलों में से एक है। ये महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा 20वीं सदी में बनाया गया था। आज उम्मीद भवन पैलेस का एक हिस्सा एक संग्रहालय और एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2017 के तहत जोधपुर विश्व स्तर पर 10वां और एशिया में 3रा सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल माना गया है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में इंडिया से दो इंस्पिरेशनल सिटी की कैटेगरीज बनाई गई कि उसमें मुंबई और जोधपुर था। फिर मोस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जोधपुर उसमें फीचर किया। जोधपुर में घंटाघर के आसपास का क्षेत्र यहां आने वाले पर्यटकों को खरीदारी के बहुत से मौके देता है। इसे महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था, जिनके नाम पर इस बाजार का नाम भी पड़ा है। क्लॉक टावर आपको बढ़िया खाने और खरीदारी का मजेदार अनुभव देगा। हमारा घंटाघर है, क्लॉक टावर है, बहुत प्राचीन है, बहुत उसका एक समृद्ध इतिहास है, वहाँ लोग खूब देखने आते हैं। बहुत अच्छा एक प्लेस है,
तो आप जोधपुर में कहीं भी देखेंगे जोधपुर जरूर मिलेंगे। यहाँ की भाषा बहुत मीठी है, यहाँ भी गली भी जी निकाल दी जाती है, यहाँ गली भी गली में जी निकालते हैं देते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिलसिला हमारा यहाँ का है। I really like the people here and of course the food is delicious and yeah I feel very welcome here. We're just fascinated. The food is fantastic. I love curry and the people are so kind and so welcoming. Till now I'm just raving about you. जोधपुर में सांस्कृतिक कला और शिल्प को भी खासी जगह दी गई है। हाल ही में जोधपुर अपनी कलात्मक फर्नीचर के निर्यात, गृह सज्जा, जीवन शैली और हस्तशिल्प के लिए भारत में जाना जाने लगा है। यहाँ का हस्तशिल्प आर्थिक रूप से भी काफी जरूरी है। इसके निर्यात से एक साल में 2000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है। हस्तशिल्प निर्यात उद्योग ने कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया है, जिनमें से ज्यादातर समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं। जोधपुर हस्तशिल्प के लिए बहुत फेमस है। जब हम हस्तशिल्प की अगर बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है पहले कपड़े से, जो कि सब लोग जानते हैं यहाँ का बंदेज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है वो है लकड़ी की जो आइटम हम बनाते हैं, जिसके अंदर हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट आइटम्स, हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर और अदर डेकोरेटिव आइटम्स हैं। उसके अलावा लोहा, पेपर मैशी और भी काफी चीज है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि जोधपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे चमड़े के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, वो भी इंडिया के अंदर और बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। हमने उस इंडस्ट्री में अभी जितने काम करने वाले हस्तशिल्पी हैं उन सबको एक आइडेंटिटी कार्ड देकर उनको अनेक तरह की सुविधाएं देने का काम किया है। आदरणीय स्मृति ईरानी साहिबा जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैं और जो इस मंत्रालय को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को देखती हैं देश भर में, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके निर्देश पर ईपीसीएच ने जोधपुर में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया है। इसके अलावा आर्टिजन्स को हम ट्रेन करें, आर्टिजन्स को हम उनके काम के लिए औजार दें और साथ में एक डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर वहां डेवलप करें ताकि नई डिजाइन के साथ में हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे काम कर सकें। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 4 अलग अलग स्थानों पर सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की है। इसमें कमजोर वर्ग, मध्यम आय और निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते फ्लैटों के आवंटन की पेशकश की जा रही है। जोधपुर में रियल एस्टेट बाजार में भी इस वजह से उछाल आया है। मासेज में जहां हम इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, सोशल जस्टिस का मैटर करते हैं, इनक्वालिटी का करते हैं, जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अफोर्डेबल जो आवासीय योजना जो है, जन आवासीय योजना, उसके तहत राजस्थान के अंदर 22,000 मकानों की फाउंडेशंस और उनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं और सौभाग्य से गत 26 जनवरी को आंगनवा के अंदर 100 व्यक्तियों को लॉटरी के आधार पर जिनके नाम आए थे उनको चाबी अभी सुपर्द कर दी गई। आवासीय क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले 3 साल में काफी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें मंडलनाथ की स्कीम थी, विज्ञान नगर की स्कीम थी, अरुणा विहार, झरना विहार, ये सारी आवासीय योजनाएं थी जिसमें आम जनता को और हर व्यक्ति को जो है अपना भूखंड मिलने का एक मौका मिला था और सब टाइमली लॉन्च हुई और टाइमली इसमें लॉटरी निकल के लोगों को उसमें आवंटन किया गया है। अब हम और आगे चाहते हैं, मोकलावास में हम एक बहुत बड़ी स्कीम लाना चाहते हैं। इसके अलावा उजलिया के पास में वहां पर हम लोग जाते हैं कि वहां एक फार्म हाउस की एक स्कीम लेके आए और इसके अलावा एक बड़ा हमारा लैंड बैंक बना हुआ है जिसमें लैंड्स आइडेंटिफाइड करके और स्कीम्स प्रिपेयर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेडीए ने गौशाला ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है जिसमें इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सम्राट अशोक उद्यान पार्क में भी नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और 400 लोगों के लिए एम्फी थिएटर का निर्माण किया गया है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो सम्राट अशोक उद्यान, उस उद्यान को हमने हाउसिंग बोर्ड से हमें मिला, हमने उसका प्रोजेक्ट लिया और लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया लग के वह उद्यान इंडिया के बेहतरीन उद्यानों के अंदर से एक बनने जा रहा है, जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन है, ओपन थिएटर है, स्विमिंग पूल्स हैं, एम्यूजमेंट पार्क है, योगा गैलरी है, ताकि लोगों को मेडिटेशन सेंटर है, ताकि अशोक ने स्वयं ने अहिंसा को अपनाया था तो अहिंसा से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित लोग उसका ज्यादा ज्यादा उपयोग कर सकें। हमने उस चीज के सारी एनआईटी के प्रोसेस के अंदर मारे, अतिशीघ्र उसकी एनआईटी जारी हो जाएगी। मॉल, बहुस्तरीय फ्लाईओवर और आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता के लिए आरओबी का निर्माण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है, जिसमें अभी मल्टीलेवल आरओबी का निर्माण रित्या भैरू जी का चल रहा है। ये राजस्थान का पहला मल्टीलेवल आरओबी है और ये अप्रैल एंड मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट होकर हम जनता को उसको समर्पित कर देंगे। इसी तरह से एक सारण नगर में आरओबी और बन रहा है, वो भी ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि मई में उसको भी कंप्लीट करके जनता को समर्पित करेंगे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक आरओबी भदवासिया में अभी जस्ट पिछले साल ही पूर्ण होकर के जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। जोधपुर की जर्जर हो चुकी दीवारों पर भी सुंदर सांस्कृतिक विरासत के चित्र बनाए जा रहे हैं। दरअसल इन सभी परियोजनाओं से शहर का कायाकल्प करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पर्यटकों के बीच यहाँ की समृद्ध विरासत और राज्य की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। रेलवे स्टेशन पर भी अब राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी जोधपुर की झलक दिखाई देगी। जोधपुर स्टेशन पर पर्यटकों को बाबूजी की फड़, कठपुतलियाँ और मांडरा देखने को मिलेगा। ये सारा काम जेडी की ओर से ही करवाया जा रहा है। वैसे ही आप जोधपुर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तो प्लेटफॉर्म का जो वेटिंग रूम है उसमें बहुत ही सुंदर कलाकारियों के साथ में, जिसमें राजस्थान की संस्कृति को उकेरा गया है विशेष रूप से अच्छे रंगों के साथ में, वो आपको देखने की मिलेगी और वो पेंटिंग इतनी अच्छी है कि आप भी देख कर उसको अभिभूत हो जाएंगे। यहाँ एक सुंदरता के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ हम उस उद्योग को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं जोधपुर स्टोन को, जिसको देख के लोगों को ये लगे कि जोधपुर स्टोन से अब केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं रहा है, अब कार्विंग के साथ साथ इसकी जालियों के साथ साथ इसके लैंपों के साथ साथ इस प्रकार के अब एक उद्योग को भी इसके साथ प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम देखेंगे जोधपुर को फ्यूचर सिटी बनाने में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम क्या क्या हैं। जो चीज सबसे ज्यादा जोधपुर में उद्योगों को प्रभावित करेगी वो है भारत की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास परियोजना 100 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट यानी DMIC। मारवाड़ जंक्शन जो जोधपुर से 103 किलोमीटर दूर है, DMIC रूट पर 9 फेट लोडिंग का एक सशक्त केंद्र है। जोधपुर और पाली जिले ऐसे क्षेत्र हैं जो DMIC के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। DMIC का जो प्रोजेक्ट है ये बड़ी खुशी की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट से 60% DMIC का यहाँ से निकल रहा है और वो सीधा पाली होते हुए आबू रोड और वहाँ जा रहा है। तो उसमें हमने रिको ने जो अभी कर रखा है जोधपुर पाली हाईवे पे हम दो बड़े नए बिग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। वो लगभग 3,500 बीघा में जोधपुर में हो रहा है और उसी के 5,000 बीघा में पाली डिस्ट्रिक्ट में ये दो नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने जा रही है। रिको DMIC के बराबर में इंडस्ट्रियल जोन बनेगा और ये जो इंडस्ट्रियल जोन प्रस्तावित पाली मारवाड़ रीजन के जो बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ऑयल अभी मिला है और देश की लगभग जितनी खपत है उसका लगभग 15% से ज्यादा ऑयल जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र से निकल रहा है बाड़मेर से, उसके बाद में जोधपुर में ऑयल बेस और नेचुरल क्रूड ऑयल बेस इंडस्ट्रीज की उससे जुड़े हुए उसके बाय प्रोडक्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज की व्यापार संभावना है। अभी जो है मार्बल प्रोसेसिंग के बारे में वहां बहुत बड़ा काम हो सकता है, ग्रेनाइट क्योंकि वहां बहुत सारा बहुतायत में उपलब्ध है उसकी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, अनेक तरह की इंडस्ट्रीज की वहां संभावनाएं हैं। और भारत सरकार के IT मिनिस्टर साहब ने अभी वहां प्रपोज किया है कि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हम देश के रिक्वायरमेंट का 80% जो है बड़ा हिस्सा जो है देश में उत्पादन करने लगे ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो और एक्जिम का जो बैलेंस है वो सुधरे, तो ये नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है उस दिशा में भी काम हो रहा है। जोधपुर शहर बढ़िया रेल, सड़क और हवाई सेवाओं से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। जोधपुर शहर 3 राष्ट्रीय राजमार्गों से और 10 राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की भव्यता और संपन्नता को देखने के लिए RTDC और भारतीय रेल द्वारा लग्जरी गाड़ियां संयुक्त रूप से चलाई जा रही हैं। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। ये प्रमुख रूप से एक सैन्य एयरबेस है जहां नागरिक हवाई यातायात की अनुमति दी गई है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सिर्फ एयर टर्मिनल है वही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, बाकी सारी परिसंपत्ति सारा सब कुछ जो है वो एयरफोर्स का है। उसका एक्सपेंशन क्योंकि एयरफोर्स के साथ में जमीन का कोई एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था इसलिए हो नहीं पा रहा था, और पिछले 15 साल से तमाम प्रयास करने के बाद में भी अटका हुआ था। और हमारा जो लैंड एक्सचेंज का इश्यू था वो लैंड एक्सचेंज का इश्यू जो है रिजॉल्व हो गया। एयरफोर्स हमको 37 एकर्स जमीन दे रही है और दो फेजेज में डेवलपमेंट का प्लान बन के और उसका काम भी अपने ग्राउंड के स्तर पर शुरू हो गया है। जो एक एयरफोर्स और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं नगर निगम के साथ में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक एमओयू होने वाला था वो भी शायद अगले एक दो तीन में वो भी एमओयू हो जाएगा। जोधपुर तेजी से भारत में उच्च शिक्षा का भी प्रमुख गढ़ बनता जा रहा है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है आईआईटी जोधपुर, निफ्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 2012 में एम्स की स्थापना जोधपुर में हुई थी और तब से ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। सितंबर 2012 में शुरुआत होता है एम्स जोधपुर का। अभी हम लोग के पास 400 बेड फंक्शनल है जिसमें शुरू कर रहे हैं हम लोग ने। धीरे धीरे समय के साथ अगले 5-6 महीने में जो फुल स्ट्रेंथ है 1000 बेड इंस्टीट्यूशन की आने वाले कुछ समय में पूरी कर दी जाएगी। और जहां तक जो मरीज आने का सवाल है इंस्टीट्यूशन में, पेशेंट्स हम लोग के पास दोनों तरीके से आते हैं। पेशेंट्स कहीं किसी ने दिखाया हो कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने आप से भी दिखाने आते हैं और कुछ पेशेंट्स रेफर होकर आते हैं। इसी को देखते हुए जो ऑपरेशन होते हैं यहां पे या इलाज होते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी होती हैं। दो साल पहले हम लोग ने जो साइमीज ट्विंस कहते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज तो बहुत ही मुश्किल सर्जरी होती है। तो दो साल पहले हम लोग ने सितंबर में 2015 में हम लोग ने वो भी ऑपरेट करा तो उससे कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि दो बच्चे अनसक्सेसफुल सेपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो एक एग्जाम्पल वही है जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैंसर सर्जरी हुई और एडवांस सर्जरी फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल जितनी भी मेडिकल सुविधा धीरे धीरे करके वो उसमें प्रोवाइड करी जा रही है। जोधपुर का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। राजस्थान का ये पहला आयुर्वेदिक संस्थान है और भारत में अब तक ये अपनी तरह का दूसरा विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। ये विश्वविद्यालय अब सभी 44 आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी संस्थाओं को मान्यता देता है और लगभग 7000 छात्र अपनी यूजी पीजी डिप्लोमा और डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ पा रहे हैं। कि राजस्थान में शायद जोधपुर पहला एक शहर है जो एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बना, उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद आईआईटी आया है, निफ्ट आया है, पुलिस यूनिवर्सिटी यहां पर आ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो रिसर्च हो सकते हैं काजरी आफरी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्स है वो भी जोधपुर में एस्टेब्लिश हुआ है, एक रिसर्च मेडिकल में रिसर्च एक डीएमआरसी है वो भी यहां पर जोधपुर में। तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से अनुसंधान की दृष्टि से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भी बनी है। तो मैं इस कह सकता हूं जोधपुर पूरे राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से अनुसंधान की दृष्टि से एक बहुत पहले नंबर पर रहने वाला शहर विकसित होने जा रहा है। तो मेरे शहर में एम्स है, मेरे शहर में जो है वो आईआईटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, एनआईएफडी है और इसके अतिरिक्त तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पॉलिस यूनिवर्सिटी है और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो शिक्षा के केंद्र के रूप में निश्चित रूप से जोधपुर उभरा है। एसटीपीआई यानी भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जोधपुर के साइबर पार्क में स्थित है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रीको ने विकसित किया है। एसटीपीआई उद्योगों के लिए सबसे बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। आईटी सेक्टर के भी रीको जोधपुर ने 2010 में ये सोच स्थापित करी और एक छोटा सा एरिया हमने डेवलप किया जिसका नाम हमने साइबर पार्क दिया है और अभी इसमें मेजर जो हमें 6 इंडस्ट्रीज जो मेजर्स हैं वो अभी इसमें लगी हुई स्थापित हुई है जिसमें आनंद राठी है, ड्रीम टीम है। तो ये अच्छी आईटी पार्क इंडस्ट्री चल रही है।
जोधपुर के पास अपना एक थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य जोधपुर का पुनर्निर्माण करना है। इसके द्वारा जोधपुर इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई है। शहर प्रशासन के साथ मिलकर ये टीम शहर के नियोजित विकास के लिए एक खाका तैयार करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जोधपुर के लिए, जो कि अगले 5 साल में पहला फेज इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसमें बेसिक एम्यूनिटीज लाइक पावर, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ले लेंगे। और सेकेंड फेज के अंदर जब जाएंगे उस तरफ हमें इस तरह बनाएंगे कि 2050 तक भी जो हमारे मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट का यूज हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट का एक और फायदा होगा कि एक बार इसको अगर बनाने से इसको फ्रीज कर देंगे तब किसी को वापस रीडिस्कवर नहीं करनी पड़ेगी। उसी में से कुछ मुद्दे हर टाइमली उठाकर, जैसे कि 3 साल बाद में हमें क्या नई पावर लाइन लानी है या 5 साल बाद में हमें कौन सी नई सीवेज लाइन बनानी है, वो अभी से इसमें एम्बेड किया जाएगा, ताकि पीपल नो राइट नाउ कि कहाँ एक सेटेलाइट सिटी आ रहा है, कहाँ हेल्थ सिटी बन रहा है, कहाँ एक स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, या कहाँ पे DMIC के पास में नोडल पॉइंट बन रहा है, वो अभी से ही उसमें एम्बेड कर दिया जाएगा। तो आज आपने देखा जोधपुर के फ्यूचर सिटी बनने की शुरुआत का सफर। Innovate. Enable.